ये हैं दुनिया की पांच सबसे महंगी फैशन ब्रांड्स, जिनके कपड़े खरीदने के सपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी देखते हैं। दोस्तों, जमाना मॉडर्न होने के साथ हम सभी का सपना स्टाइलिश और ब्रांडेड कपड़े पहनने का होता है, और हम में से कई लोग दुनिया भर के लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हैं। टॉप लिस्ट हिंदी के आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद पांच ऐसी फैशन क्लोथ्स ब्रांड्स के बारे में बता रहे हैं, जो कि आए दिन नया ट्रेंड लेकर आती हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर पांच, प्राडा। मारियो प्राडा ने इस कंपनी को साल 1913 में इटली में शुरू किया था, और आज 100 से भी ज्यादा सालों में प्राडा दुनिया की टॉप फैशन ब्रांड्स में से एक है। 1913 में प्राडा ने इटली के मिलान में अपना पहला स्टोर शुरू किया था, जिसमें हैंडबैग, ट्रेवल ट्रंक, ज्वेलरी और अन्य सामानों की बिक्री शुरू की गई थी। फिर 1988 तक कंपनी ने फुटवियर और क्लोथवियर में भी एंट्री की थी। अभी की बात करें तो बेला हदीद, केया गैरबर, रीटा ओरा और हेली स्टैनफील्ड जैसी फेमस एक्ट्रेस भी प्राडा की फैन लिस्ट में शामिल हैं। वहीं प्राडा की नेटवर्थ $3.06 बिलियन है। आगे बढ़ें उससे पहले, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल टॉप लिस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। नंबर चार, हेमीज। इस फ्रांस बेस्ड क्लॉथ ब्रांड को साल 1837 में थियरी हेमीज ने शुरू किया था, और आज हेमीज दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्लोथिंग ब्रांड्स में से एक है। ये कंपनी लेदर गुड्स के साथ ज्वेलरी, वॉचेस, फ्रेग्रेंसेस और रेडी टू वियर अपैरल जैसे कई प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में हांगकांग के एक ऑक्शन में हेमीज बिरकिन हैंडबैग $2,42,000 यानी करीब 17,75,00,000 रुपए में बिका था। दरअसल ये हैंडबैग काफी रेयर व्हाइट क्रोकोडाइल और पैलेडियम मटेरियल से बना था। अभी के समय में हेमीज की ब्रांड वैल्यू करीब $33.01 बिलियन है। नंबर तीन, डियोर। इस ब्रांड को क्रिश्चियन डियोर ने 16 दिसंबर 1946 के दिन फ्रांस में शुरू किया था, और अभी के समय में इस ब्रांड की पैरेंट कंपनी LVHM है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़कियों के फेवरेट इवनिंग गाउन को डियोर ब्रांड ने ही दुनिया भर में इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि ये ब्रांड स्पेशली लेडीज के फैशन वियर पर फोकस करती है, लेकिन अब डियोर के मेंस फैशन प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट में क्लोथिंग, हैंडबैग, फुटवियर, ज्वेलरी, सनग्लासेस, फ्रेग्रेंसेस, कॉस्मेटिक्स और स्किन प्रोडक्ट्स शामिल हैं। दुनिया की इस तीसरी सबसे महंगी फैशन ब्रांड की ब्रांड वैल्यू $5.12 बिलियन है। नंबर दो, गुची। अगर आप सेलिब्रिटी फैशन को फॉलो करते हैं तो आपने गुची ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा। इस इटालियन फैशन ब्रांड की शुरुआत साल 1921 में गुचियो गुची ने की थी, और आज 100 सालों के बाद ये ब्रांड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया है कि दुनिया भर के लगभग सभी सेलिब्रिटीज इस ब्रांड के फैशन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। गुची कंपनी क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स, शूज, एक्सेसरीज, हैंडबैग्स, वॉचेस और बेल्ट जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, और इस इंटरनेशनल ब्रांड के दुनिया भर में 550 से भी ज्यादा शोरूम है। ब्रांड वैल्यू की बात करें तो गुची की ब्रांड वैल्यू करीब $27.24 बिलियन है। वेल, दोस्तों, आपकी फेवरेट फैशन ब्रांड कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर एक, लुई विटन। इस कंपनी की शुरुआत साल 1854 में लुई विटन ने की थी, और अभी के समय में इस ब्रांड की पैरेंट कंपनी LVMH है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो क्रिश्चियन डियोर ब्रांड को भी ओन करती है। चौंका देने वाली बात तो ये है कि LVMH के CEO एंड चेयरमैन बर्नर्ड अर्नोल्ड जेफ बेजोस के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, और उनकी नेटवर्थ करीब $179.5 बिलियन है। वहीं उनकी फैशन ब्रांड लुई विटन की ब्रांड वैल्यू करीब $52 बिलियन है। ये कंपनी लग्जरी गुड प्रोडक्ट्स जैसे कि हैंडबैग्स, शूज, रेडी टू वियर गुड्स, ज्वेलरी और फ्रेग्रेंसेस बेचती है। लुई विटन के बारे में एक मजेदार फैक्ट ये है कि हर सीजन में वो नए ट्रेंड्स को लॉन्च करते हैं, और प्रोडक्ट का क्लास, वैल्यू एंड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो पुराने प्रोडक्ट्स को बर्न या श्रेड कर देते हैं। इसीलिए यह कंपनी अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।